तो हाँ यार, मैं हूं हुसैन अली खान। आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जैसे कि मेरा नया रॉ मटेरियल सब कुछ आ गया है और मैंने अपना जो है प्री स्टार्टर फीड जो है बना लिया है, तो इस आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अपना जो है ना, जो ये मुझे पड़ा हुआ है, ये मुझे कितने में पड़ा है, सारा रॉ मटेरियल मुझे कितने में पड़ा है, सब कुछ उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पे अपना अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा देखते रहो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने मक्के के बारे में। जो पिछले बैच में हम लोगों को काफ़ी ख़राब मक्का मिल गया था, लेकिन इस बैच में जो है ना एक नंबर मक्का मिला है। मक्के में कोई ख़राबी नहीं है और ये जो मक्के का रेट मुझे पड़ा है, ये मुझे 12.5 रुपये का मक्का पड़ा है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का A1 क्वालिटी का जो मक्का था वो 12.5 का था। बाकी थर्ड ग्रेड का मक्का जो 1170 का था, तो हम लोगों ने इसमें जो है A1 का मक्का लिया है। तो अभी जो है इस बैच में, जो अगले बैच में मेरा FCR 1.61 गया था, इस बार मुझे लगता है 1.55 या फिर 1.55 से नीचे भी रहने वाला है, क्योंकि अगले बैच में मक्का बहुत ज़्यादा ख़राब था और इस बैच में मक्का बहुत ही बेहतरीन है। ये मुझे 12.5 रुपये का पड़ा है। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ अपने नेक्स्ट रॉ मटेरियल के बारे में, तो नेक्स्ट रॉ मटेरियल है हम लोगों का ये सोया। ये सोया हम लोगों को पड़ा है 35 रुपये का, और ये भी कौन सी कंपनी का सोया है एक मिनट देख के बता देता हूँ आपको। CFPL का सोया है 46% प्लस, यानी कि 46% से ज़्यादा की इसके अंदर प्रोटीन है और सब कुछ इसके अंदर बेहतरीन है, और ये हम लोगों को पड़ा है 35.5 रुपये का, यानी कि 35.50 रुपये का ये हम लोगों को पड़ गया है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट रॉ मटेरियल है वो हम लोग यूज करते हैं अपने इसमें MBM, मीट एंड बोन मील। मीट एंड बोन मील किस कंपनी का मैं दिखा दूं, ये इंडियन पोल्ट्री का है। यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन पोल्ट्री फीड का है। ठीक है, इंडियन है कि इंदिरा है ना, इंडियन ही है। तो ठीक है, ये अपना MBM है और ये MBM हम लोगों को पड़ा है 20 रुपये का। यार लोग MBM जो है 35 रुपये का MBM अपने फीड में डालते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि MBM आप फीड में डाल क्यों रहे हो। ठीक है, नॉनवेज है, MBM नॉनवेज है, आप अपने फीड में डाल क्यों रहे हो। तो नॉर्मल से लोगों का जवाब रहता है, यार हम तो कॉस्ट कटिंग के लिए डाल रहे। तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई अगर MBM जो है आपका 35 रुपये का आपको मिल रहा है, सोया आपको 35.5 रुपये का मिल रहा है, या फिर MBM आपको 36 रुपये का मिल रहा है, सोया आपको 35.5 रुपये का मिल रहा है, तो आपको MBM डालने की ज़रूरत ही क्या है। MBM मत डालो ना, अगर आपको इतना महंगा MBM मिल रहा है तो वो मत डालो, उसकी जगह पे आप सोया मतलब मक्का सोया वाला ही फीड बना लो, वो आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। लेकिन अगर MBM आपको 20 रुपये में मिल रहा है, MBM हम डाल क्यों रहे, कॉस्ट कटिंग के लिए डाल रहे हैं, तो 20 रुपये 18 रुपये का MBM मिले तो उसे डालें, नहीं तो फिर मतलब ही क्या है यार, MBM का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो ठीक है, ये अपना MBM है जो कि हम लोगों को 20 रुपये किलो मिला है। उसके बाद ये है अपना, ये जो नेक्स्ट रॉ मटेरियल की बात करूँ, वैसे तो मैं इसको ओकेजनली ही डालता हूँ, रेगुलर अपने फीड फॉर्मुलेशन में तो मैं यूज नहीं करता हूँ। तो ये है रेपसीड मील। ये रेपसीड मील क्या होता है, रेपसीड मील होता है जो सरसों की खल होती है ना, उसको एकदम से जब सरसों की खल में से जो थोड़ा बहुत तेल बचा रहता है उसको भी पूरी तरीके से निकाल लिया जाता है, तो ये बचता है, और इसको हम लोग मस्टर्ड केक या फिर रेपसीड मील कह सकते हैं। ये हम लोगों को भी 20 रुपये का मिला है यार। ये मुझे लगता था उसकी जगह पे MBM ही ले लेता, लेकिन ओकेजनली ही यूज करते हैं, इसका ज़्यादा यूज नहीं करते। ओके, उसके बाद ये तेल है थोड़ा सा, क्योंकि अभी एक थोड़ा सा ऑर्डर था 25 किलो, वैसे मैं 25 किलो का ऑर्डर लेता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दोस्त था तो लेना पड़ गया, तो अभी बना के रखे हैं। तो ये जो है हम लोगों का ऑयल है। ऑयल क्या है, ये सोया अनरिफाइंड ऑयल है, सोया अनरिफाइंड ऑयल है। जैसे कि मैं इससे पहले जो है ये वाला ऑयल यूज करता था ना, अपना फॉर्चून ऑयल यूज करता था, ये तो मुझे पड़ता था यार 108 रुपये किलो पड़ता था। तो अब जो है 108 रुपये किलो, यार उससे तो फीड फॉर्मुलेशन की कॉस्ट भी काफ़ी ऊपर चली जाती थी, सब कुछ जो है डिसबैलेंस हो जाता था, क्योंकि प्री स्टार्टर में तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन स्टार्टर और फिनिशर में ये तेल की वजह से बहुत इफेक्ट पड़ता था फीड फॉर्मुलेशन की कॉस्ट को कम करने के लिए। तो ये है सोया अनरिफाइंड ऑयल और ये मुझे पड़ा है 74 रुपये का पड़ा है। जैसे कि इसके अंदर क्या होता था, ये रिफाइन होता था, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होती थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी है, इसके अंदर प्रोटीन नहीं है। ठीक है, प्रोटीन आप देख रहे हो, प्रोटीन इसमें 0 है, जबकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एनर्जी तो है, ये अनरिफाइंड ऑयल है तो इसके अंदर एनर्जी तो है ही है, साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रोटीन भी है, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से अपना रिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है,
तो बस यही अपने रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल और है यार, एक रॉ मटेरियल और है, बाकी तो मैं सर ने मैंने सबको बचकर सब कुछ आपको बता ही दिया है। ये है आपका नेक्स्ट रॉ मटेरियल और लास्ट रॉ मटेरियल, राइस पॉलिश है ये, और ये राइस पॉलिश मुझे 13 रुपए का मिलता है। मैं जहाँ से अपना सारा ये रॉ मटेरियल खरीदता हूँ ना, वहाँ से रॉ राइस पॉलिश नहीं खरीदता हूँ, राइस पॉलिश तो मैं यहाँ से लोकल में ही खरीदता हूँ, और मुझे ये जो है राइस पॉलिश 13 रुपए के मिल जाता है, और जब ज़रूरत रहती तभी खरीदता हूँ, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, इसके अंदर ऑयल का कंटेंट रहता है, जो ज़्यादा समय तक स्टोर करने पर क्या बोलते हैं ऑयल का कंटेंट कम होता रहता है, तो इसकी वजह से जब ज़रूरत पड़ती तभी खरीदता हूँ, खरीद के इसको स्टोर जो है नहीं करते। तो अभी जो है मैं बात कर लूँ अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो ये है मेरा फीड, जो कि मेरा सारा फीड के नाम से बनता है, दाबरो पोल्ट्री नाम है, और 84 23 10 76 22 मेरा मोबाइल नंबर है। अगर किसी को भी ट्रेनिंग से जुड़ना हो, पूरी उसमें फीड फॉर्मुलेशन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी फीड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मक्का कितना डालना है, सोया कितना डालना है, कौन से सीजन में कौन सा फीड फॉर्मुलेशन आपको चलाना है जिससे आपकी कॉस्ट कम आ जाए। अगर आप 5% और 10% से भी बना रहे हैं, तो नॉर्मल 5% और 10% से जो कंपनी वाले फीड फॉर्मुलेशन देते हैं 5% और 10% का, उसका रेट जो होता है ना वो बहुत हाई होता है, और जो हम लोग अभी क्या, तो थोड़ा सा मैंने डॉक्टर के साथ बात करके उसको इम्प्रूव किया है, तो अभी के टाइम में जो फीड फॉर्मुलेशन की हमारी कॉस्ट आ रही 5% 10% पे, 5% 10% में जो है आप अपने फीड की कॉस्ट को जो है कम से कम 300 से 700 रुपये, अगर 5% 10% से भी बना रहे तो भी 300 से 700 रुपए तक कम कर सकते हैं। अगर आपके उधर वो रॉ मटेरियल जो उसमें हम लोग बोलेंगे डालने के लिए वो और सस्ता है, तो आपको जो है और ज्यादा जो है क्या हालते मतलब ये फर्क पड़ सकता है, लेकिन मिनिमम 300 मैक्सिमम 700 तक आप जो है, अगर 5% 10% से भी बना रहे हो ना तो भी आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ो, वो वाला फीड फॉर्मुलेशन से करो, और ग्रोथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरह से आप 5% 10% से जो ग्रोथ ले रहे थे सेम वही ग्रोथ आएगी, बट आपका पर 1000 kg पे 300 से 700 रुपए सेव हो जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ये हम लोगों का रॉ मटेरियल है, इस तरीके से हम लोग अपने रॉ मटेरियल से अपना सारा फीड बनाते हैं। और वैसे तो मैं अपना सारा मेडिसिन वेडिसिन डाल के ही अपना फीड बनाता हूँ, और मैं ये 5% 10% से नहीं बनाता हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में अगर मैं अपना अपना फीड जो बना रहा हूँ ना, ये सारे रॉ मटेरियल डाल के फीड बना रहा हूँ, तो मेरी कॉस्टिंग जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे आ जा रही है, बहुत ज़्यादा नीचे, तो मतलब बहुत ज़्यादा नीचे, 23 रुपया 24 रुपया इस तरीके की कॉस्टिंग आराम से आ जा रही, कोई टेंशन नहीं हो रहा है 23 रुपये 24 रुपये की कॉस्टिंग लाने में। और जब उसमें क्या कहते हैं, और इस बार जो है, क्योंकि पिछली बार जो मेरा मक्का यूज किया था उसमें मैंने 20 रुपये का मक्का यूज किया था, लॉकडाउन से पहले का मक्का था, इस बार जो मक्का यूज किया है अभी बढ़िया है, और उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर भी ज़्यादा था और इसके अंदर मॉइस्चर भी कम है, और एक नंबर का मक्का है, कोई भी टेंशन नहीं है। तो जिसको भी ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना है तो कॉल करो 84 23 10 76 22 पे, और आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हो। इसमें अगर आप अपने 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 फीड फॉर्मुलेशन से फीड बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको 3 से लेके 6 फीड फॉर्मुलेशन पूरे साल के मिलते हैं, प्लस इसके अंदर कंसल्टेंसी, जो मतलब आप फीड बनाने जाते हो तो आपको एक कंसल्टेंसी की जरूरत होती है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो कैसे क्या करना है, तो वो सब कुछ भी इसके अंदर शामिल है। 5% 10% से भी फीड बना रहे हो तो उसकी भी कॉस्ट कटिंग का भी हम लोगों ने इसके अंदर इंतजाम कर दिया कि उसको किस तरह से कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो 84 23 10 76 22 पर कॉल करो और ट्रेनिंग से जुड़ो, ट्रेनिंग से जुड़ने के बाद जो भी आपको जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो और अच्छे से समझा दी जाएगी, ताकि आपको फीड बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे अपना अपना एक लाइक कर दो, और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पूरा देखने के लिए शुक्रिया।